हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ साइबर क्राइम की। तो देखिए, साइबर क्राइम क्या होता है ये तो आप लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं डिफरेंट तरह के साइबर क्राइम की। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद साइबर स्टॉकिंग। पहले हम ये आज का टॉपिक यहाँ पे लिखते हैं कि काइंड्स ऑफ साइबर क्राइम। ठीक है, अब इसमें जैसे सबसे फर्स्ट पहला होता है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग, देखिए साइबर स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है कि इट इज एन एक्ट ऑफ स्टॉकिंग, हैरेसिंग और थ्रेटनिंग समवन यूजिंग इंटरनेट और फोन और एंड फोन एज ए मीडियम। मतलब आप किसी पर्सन को या किसी को भी आप हैरेस कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, स्टैकिंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ विद द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। तो दैट इज कॉल्ड साइबर स्टैकिंग एंड दिस इज ऑफन डन टू डिफेम ए पर्सन एंड यूज ईमेल, सोशल नेटवर्क, इंस्टेंट मैसेंजर, वेब पोस्टिंग एट्सेट्रा एज ए यूजिंग इंटरनेट एज ए मीडियम एज इट ऑफर्स एनोनिमिटी। ठीक है, तो ये काम करने के लिए कि या किसी पर्सन को डिफेम करने के लिए आप ये काम करते हैं, और इस काम को करने के लिए अगर आप ईमेल का, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का, इंस्टेंट मैसेंजर्स का, वेब पोस्टिंग का या किसी भी तरह से आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं एज ए मीडियम, और इंटरनेट का मीडियम यूज़ करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना या जो भी पर्सन ये काम कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, तो दिस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ साइबर स्टॉकिंग। द बिहेवियर्स इंक्लूड फॉल्स एक्सक्यूजन, थ्रेट्स, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन टू माइनर्स, मॉनिटरिंग एट्सेट्रा। तो इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आप किसी के ऊपर फॉल्स आरोप लगा रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं उसको, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं माइनर्स का और मॉनिटरिंग एट्सेट्रा। दैट ऑल दिस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ साइबर स्टॉकिंग। अब इसके बाद सेकेंड जो हम लोग लेते हैं दैट इज कॉल्ड चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है कि इट इज एन एक्ट ऑफ पजेजिंग इमेज और वीडियो ऑफ ए माइनर अंडर 18 ईयर्स इंगेज इन सेक्सुअल कंडक्ट। तो दिस इज कॉल्ड चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड दिस इज ऑल्सो ए क्राइम। कि अगर आप जो है किसी माइनर की इस तरह की इमेज या वीडियो अपने पास रखते हैं, या इट इज एन एक्ट ऑफ पजेजिंग इमेज और वीडियो ऑफ ए माइनर अंडर 18, 18 साल से कम किसी भी माइनर की अगर आप इस तरह की फोटो या इमेज रखते हैं जो सेक्सुअल कंडक्ट में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो ये दिस इज ऑल्सो फॉल्स अंडर कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम एंड दिस इज कॉल्ड चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ठीक है, ये भी पनिशेबल ऑफेंस है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फॉर्जरी एंड काउंटरफिटिंग। नेक्स्ट इज फॉर्जरी एंड काउंटर फिटिंग। ठीक है, फॉर्जरी और काउंटर फिटिंग में क्या होता है कि इट इज ए यूज ऑफ कंप्यूटर टू फॉर्जरी एंड काउंटर फिटिंग इज ए डॉक्यूमेंट। विद द एडवांसमेंट इन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस काउंटर फिट विच मैचेस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू सच एन एक्सटेंट दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू जज द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट विदाउट एक्सपर्ट जजमेंट। तो अगर आप किसी भी तरह की फोर्जरी या काउंटरफिटिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, किसी डॉक्यूमेंट्स का बिल्कुल ओरिजिनल की तरह से आप कोई कॉपी क्रिएट करते हैं या बनाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो ए साइबर क्राइम। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाइए सॉफ्टवेयर पायरेसी एंड क्राइम रिलेटेड टू आईपीआर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो साइबर क्राइम है वो है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी एंड क्राइम रिलेटेड टू आईपीआर्स। क्राइम
रिलेटेड टू आईपीआर। इसका मतलब क्या हुआ? सॉफ्टवेयर पायरेसी इज एन इलीगल रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पर्सनल यूज और बिजनेस। ठीक है, इट कम्स अंडर क्राइम रिलेटेड टू आईपीआर इंफ्रिंजमेंट। सम ऑफ अदर क्राइम्स अंडर आईपीआर इंफ्रिंजमेंट आर डाउनलोड ऑफ सॉन्ग्स, डाउनलोडिंग मूवीज एटसेट्रा। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी मतलब कि किसी भी सॉफ्टवेयर की कॉपी क्रिएट करना, कॉपी बनाना विदाउट द परमिशन ऑफ द इट्स ओनर और ओनी ओनी ओनर और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप उसकी कॉपी बना के क्रिएट करके उसको चाहे पर्सनल यूज करते हैं और चाहे उसका बिजनेस यूज करते हैं, तो ये दिस इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ साइबर क्राइम और दिस क्राइम इज रिलेटेड टू आईपीआर इंफ्रिंजमेंट। कुछ और जो आपके क्राइम्स हैं जो आईपीआर से रिलेटेड है, आईपीआर इंफ्रिंजमेंट से, वो जैसे डाउनलोडिंग ऑफ सॉन्ग्स है, डाउनलोडिंग मूवीज है, ये सब साइबर क्राइम के अंदर आते हैं। जब तक कि आप लाइसेंस यूजर ना हो उसके, जब तक आप उसके ऑफिशियल ओनर से आपने परमिशन ना ली हो या उससे खरीदा ना हो, अगर आप उसकी कॉपी यूज करते हैं दैट इज ऑल्सो साइबर क्राइम। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म ये क्या है कि इट इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेस टू इंटिमिडेट और कोर्स गवर्नमेंट द सिविलियन पॉपुलेशन और एनी सेगमेंट देयर ऑफ इन फर्दरेंस ऑफ पॉलिटिकल और सोशल ऑब्जेक्टिव। साइबर टेररिज्म का मतलब ये हुआ कि अगर आप कंप्यूटर के थ्रू या कंप्यूटर रिसोर्सेस के थ्रू किसी भी तरह का आप आतंकवादी कार्रवाई करते हैं या आतंकवादी कार्रवाई में आप इन्वॉल्व हैं, ठीक है, चाहे आप पॉलिटिकल रूप से चाहे सोशल ऑब्जेक्टिव के रूप से, तो ऑल दिस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ साइबर टेररिज्म। ठीक, नेक्स्ट इज फिशिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज फिशिंग। फिशिंग क्या होता है कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग पर्सनल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल वाया ईमेल बाय डिस्ट्रीब्यूशिंग एज ए ट्रस्टवर्दी एंटिटी इन एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। फिशिंग अटैक जो होते हैं, या फिशिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी की पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को आप एक्वायर कर ले रहे हैं वाया एन इंडिविजुअल ईमेल, ठीक है, और ये शो करते हुए कि एज ए ट्रस्टवर्दी एंटिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मतलब अपने आप को ये शो करते हुए कि आई एम ए ट्रस्टवर्दी एंटिटी। से मान लीजिए किसी को हमने मेल किया या कॉल किया कि आई एम सेंडिंग दिस मेल फ्रॉम फला फला बैंक और आपकी ये इंफॉर्मेशन चाहिए, या हमने कहा कि आपको हमने ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से बन के हमने मेल किया कि हमें ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड फिशिंग। द पर्पज ऑफ फिशिंग इज आइडेंटिफाई थेफ्ट एंड द पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर एटसेट्रा, एंड दैट मे बी यूज टू स्टील मनी फ्रॉम यूजर अकाउंट। इफ ए टेलीफोन इज यूज एज ए मीडियम फॉर आइडेंटिफाई थेफ्ट, इट इज नोन एज फिशिंग। तो अगर ये तो हो गया फिशिंग, और अगर टेलीफोन को यूज किया जा रहा है एज ए मीडियम के लिए, तो फिर उसको बोलते हैं वॉइस फिशिंग, या उसको शॉर्ट में बोलते हैं विशिंग। विशिंग मतलब वॉइस और फिशिंग। ठीक है, अनदर फॉर्म ऑफ फिशिंग इज स्मिशिंग इन विच एसएमएस इज यूज टू ल्यूर कस्टमर। अगर किसी को आप चीट करते हैं एसएमएस के माध्यम से, तो दैट इज कॉल्ड स्मिशिंग। यानी इसको आप कह सकते हैं, नॉर्मली आप इसको समझ सकते हैं, एसएमएस के थ्रू आप फिशिंग कर रहे हैं, तो ये भी आपका साइबर क्राइम है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाइए कंप्यूटर वंडलिज्म। कंप्यूटर वंडलिज्म ये क्या होता है?
इट इज एन एक्ट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रॉइंग कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यूजिंग फिजिकल फोर्स और मैलिशियस कोड। कंप्यूटर वंडलिंग का मतलब होता है कि किसी के कंप्यूटर को या किसी भी के मशीन को डिस्ट्रॉय कर देना, चाहे फिजिकल फोर्स से फिजिकली और चाहे मैलिशियस कोड के माध्यम से। तो दैट इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ साइबर क्राइम। ठीक है, तो ये जो कुछ तरह के साइबर क्राइम होते हैं ये हमने आपको बता दिए। अभी कुछ और साइबर क्राइम जैसे कंप्यूटर हैकिंग है आपका, क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वायरसेस है, स्पैमिंग है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है। कुछ और साइबर क्राइम्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।